Yo, what's up guys, welcome back to the IVG. तो last time हमने the brother of destruction versus heart foundation का मैच देखा था. अगर आपने वो देखा नहीं तो जाके देख लो. तो ये मैच होने वाला है, ये एपिसोड होने वाला है एक ट्रिपल थ्रेट मैच. और वो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा तीन ऐसे मॉन्स्टर्स में जो किसी ने सोची भी ना होगी. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो क्या लगता है आपको, हम कौन से तीन मॉन्स्टर के साथ ये बैटल करेंगे? तो हम पहले चूज करेंगे ओमोस को, ये रहे ओमोस. और हम सेकंड में रखेंगे केविन नाश को, केविन नाश कहा गए, ये रहे. और थर्ड में रहेंगे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर. तो हमारे तीनों भी मॉन्स्टर्स तैयार हुए हैं अभी. तो चलिए शुरू करते हैं. तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, एक्शन एंटरटेनमेंट और धमाल अब शुरू होने वाला है. और इसी के साथ पहली एंट्री ली है द सेक्सी बॉय केविन नाश. केविन नाश अपने टाइम के एक जाने माने रेसलर से, वो एक अमेरिकन एक्टर और एक बास्केटबॉल प्लेयर भी थे. ये बहुत कम लोगों को पता है, बट वो रेसलिंग के साथ उन्होंने बास्केटबॉल और एक्टिंग भी की है अपने करियर में. और भाई क्या ही लुक एटीट्यूड है भाई. केविन नाश ना रेसलर कम और रॉकस्टार ज्यादा लग रहे हैं. तो आ गए हमारे द नाइजीरियन जायंट ओमंस. ने फिलहाल ही कुछ साल पहले WWE में एंट्री की है, बट जैसे ही वो आए हैं भाई धमाल मचा रहे हैं WWE में. और ओमस रेसलर से पहले एक बास्केटबॉल प्लेयर भी थे. अब आएंगे हमारे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर. ब्रॉक लेसनर भी अपने टाइम के एक जाने माने फुटबॉल प्लेयर भी थे और WWE में अंडरटेकर के बाद अगर किसी का खौफ ज्यादा हो तो वो भाई ब्रॉक लेसनर ही है. अब सोच रहे हैं कि आज कौन किस पर भारी पड़ेगा, ओमस लेसनर या नाश. केविन नाश आज सबका सत्यानाश कर देंगे लगता है. और आते आते केविन नाश ने ओमस को कॉर्नर पे दे मारा और इसी का फायदा लिया ब्रॉक लेसनर ने. बट ओमस वहां पे क्या कर रहे हैं भाई. अब नाश और एक मिनट भाई, ये एक्चुअली कौन किसको मार रहा है भाई. पर ओमोस की ताकत तो देखो, क्या दे पटका है ओमोस ने नाश को. और इसी का फायदा ब्रॉक लेसनर ने ले लिया और वो मारते ही जा रहे हैं ओमोस को. बट नहीं, ओमोस ने फिर से एक बार रिवर्सल करते हुए, नहीं नहीं यहाँ पर भाई चल क्या रहा है, कौन किसका फायदा ले रहा है. फिर से एक बार ओमस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए. बट मुझे एक समझ नहीं आ रहा है, ओमस नाश पर इतना गुस्सा क्यों है भाई. क्या ही चॉक स्लैम दे मारा ब्रॉक लेसनर को और फिर से एक बार नाश को दे उठा के पटक दिया. और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को मारने की कोशिश थी बट ब्रॉक लेसनर ने रिवर्सल कर दिया. एक आयरिश स्वीप और ओमस बाहर चले गए रिंग के और इसी का फायदा लिया नाश ने. और ब्रॉक लेसनर को एक कमाल का दे अटैक. इशारा किसको कर रहे हैं भाई, ओमस को कि ऑडियंस को. बट नहीं नहीं नहीं, ओमस ने भी एक का परफेक्ट स्लैम दे मारा. और फिर से एक बार क्या ही फायदा लिया ब्रॉक लेसनर ने. क्या ये क्या ही मैच चल रहा है भाई. ओमस ने ब्रॉक को मारने की कोशिश की और इसका फायदा नाश ले लिया बट ये पिन सक्सेसफुल नहीं रहा. क्या ही बॉडी ड्रॉप था नाश की तरफ से. और ये सुप्लेक्स, कमाल का सुप्लेक्स भाई लेसनर की तरफ से. और नाश का बदला ओमस ने ले लिया और ब्रॉक लेसनर को क्या ही चॉक स्लैम दिया था.
क्या ये फिनिशर होगा नाच की तरफ से? नहीं नहीं नहीं, ये तो ड्रॉप किक थी। ब्रॉक लेसनर बाहर क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं लगता है। क्या वो ओमोस पर अटैक करेंगे? कौन सा अटैक होगा ये? बट नहीं नहीं नहीं, क्या ये चॉक स्लैम होने वाला है? चॉक स्लैम का बल्ला नहीं, क्या ही पंच था वो। और ये कवर अनसक्सेस, क्या ये कवर सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं, इतनी जल्दी तो लेसनर नहीं हारेंगे। कब से ओमोस मारे जा रहे थे और इस बार भी ओमोस ने नाश का अटैक रिवर्स कर दिया उन्हीं पर ही। और यहाँ पे नाश तो हो गए, अब ब्रॉक लेसनर को दे उठक पटक मारा। भाई साहब क्या चल रहा है ये? ओमोस बहुत भारी पड़ रहे हैं दोनों पर। क्या लेसनर और नाश टीम अप करेंगे ओमोस को मारने के लिए? और ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर, और क्या ही अटैक का इंपैक्ट था ये। बट नहीं, नाश अब गुस्से में है, और क्या कोई बड़ा अटैक होगा नाश की तरफ से? कोई बिग अटैक होगा यहाँ पे टीम अप करते हुए? और नहीं नहीं, ये टीम अप कुछ ही पल का था। एक्चुअली टारगेट कौन है गेम में भाई? ये स्लैम का इतना कुछ इंपैक्ट नहीं रहा, बट इसका फायदा ओमोस ने भाई ले लिया। ओमोस क्या फिनिशर करेंगे? क्या रनिंग अटैक हो सकता है? नाकाम रहा। अब ओमोस क्या एक फ्लाइंग अटैक की कोशिश, क्या ये सक्सेसफुल रहेगा? क्या नाश उसे रोक पाएंगे? और नाश ने ये अटैक रोक दिया है। बट यार ऑडियंस देखना चाहती थी ओमोस का फ्लाइंग अटैक। क्या फिनिशर होगा ओमोस की तरफ से? अब ब्रॉक लेसनर रिकवर हो गए लगता है। और ये सुप्लेक्स की कोशिश पर रिवर्सल, और ओमोस ने भाई एक अल्टीमेट स्लैम। एक फिर से स्लैम, गोरिल्ला प्रेस स्लैम भाई। नहीं नहीं नहीं, अनसक्सेस रहा। और एक बेली टू बैक ड्रॉप, क्या ये पिन होगा? ओमोस ओमोस क्या ये पिन होगा? नहीं, इतनी जल्दी कोई नहीं हारेगा भाई। तीनों के तीनों भी डेडलीस्ट प्लेयर है, इतनी जल्दी कैसे हार सकते हैं? ओमोस ने ये, ओमोस की ये चाल बहुत ही सही थी। क्या फिनिशर कर सकते हैं? लगता है हाई एंगल स्पाइन बस्टर, और ये हाई एंगल स्पाइन बस्टर ओमोस की तरफ से। क्या ये पिन होगा? और ये पिन हुआ, क्या मैच यहीं पे खत्म होगी? बट उसी समय नाश ने आकर ये पिन रोक दिया। कमाल का अटैक, बट यहाँ पर भी ओमोस रिवर्सल करते हुए एक गोरिल्ला प्रेस स्लैम फिर से एक बार। कितनी ताकत है भाई बंदे में, मारते ही जा रहा है। बट नहीं, केविन नाश भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जितनी ताकत है हम भी कुछ कम नहीं है भैया। और लेसनर यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? लेसनर डायरेक्ट स्टील स्टेप्स लेकर आ गए रिंग में। कोई हैवी अटैक, क्या काउंटर हो पाएगा? नहीं, हो गया काउंटर, हो गया। क्या ही हेडशॉट था ये। बट नहीं नहीं, लेसनर भी बदला ले। क्या ये एफआई हो सकता है? और जैसा सोचा था कि पहला FY, और क्या मैच यहीं पे खत्म होगी? तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि नाश 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 ने रोक दिया ये।
और रोमन्स रिंग के बाहर जैक ने पावर बॉम्ब, बट नहीं, अगर ये जैकनी पावर बॉम्ब लेसनर को पड़ जाता तो शायद से ये मैच नाश के नाम हो जाती। और ओमन्स भी रिंग में आ गए, बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं ना ओमन्स। क्या ही क्लोज लाइन थी और लेसनर रिंग के बाहर, फिर से एक बार गोरिल्ला प्रेस स्लैम। क्या दर्द है भाई, एक रनिंग अटैक, इसका फायदा, ओ भाई लेसनर और नाच दोनों रिंग के बाहर। क्या क्या सुसाइड डाइव हो सकती थी भाई, लेसनर ने तो डायरेक्ट स्टिक ही, एक कैंडो स्टिक लाई थी अंदर, बट नहीं ओमन्स की तरफ से ये गोरिल्ला प्रेस स्लैम। क्या ओमन्स वो कैंडो स्टिक से वार करेंगे भाई, लेसनर की चाल लेसनर पर ही भारी और भाई स्टिक ही टूट गई। एक बैक टू बेली ड्रॉप, नाश को मारने की कोशिश थी बट नाश बच गए। यहां पे कुछ हैवी अटैक लगता है, ओमस नाश को रिंग के बाहर ही रखना चाहते हैं और नाश गिर गए बाहर। क्या वो अंदर आ पाएंगे, फिलहाल नाश तो कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगर इसका फायदा ओमन्स उठा लेते हैं और हाई एंगल स्पाइन बस्टर देते तो शायद से ये मैच ओमन्स जीत जाएंगे, बट फायदा तो किसी और ने ले लिया। और यहां पे नाश की तरफ से एक चॉक स्लैम, और यहाँ पे जैसा सोचा था जैक ने पावर बॉम्ब होने वाला है, मैं कब से ये अटैक का वेट कर रहा था। और क्या रिवर्सल होगा, ऐसा नहीं लग रहा है, और जैक ने पावर बॉम्ब, और इसी के साथ लगता है नाश नहीं, ओमन्स ने भाई साहब जैक ने पावर बॉम्ब को रिवर्स कर दिया। अब नाश बहुत ही गुस्से में है भाई साहब, और यहाँ पे एफ आई होने वाला है ये ब्रॉक की तरफ से, और कमाल का FI, क्या ये पिन होगा, बट नहीं नाश तो रोप की तरफ है भाई साहब, क्या ये पिन होगा, लगता है ब्रॉक जीत जाएंगे, बट नहीं ओमन्स ने वही आकर पिन रोक दिया। क्या ओमन्स जीत गए, नहीं इतनी जल्दी तो ब्रॉक हारेंगे नहीं, जब तक हाई एंगल स्पाइन बस्टर किसी को नहीं पड़ता है तब तक भाई ओमन्स का जितना कुछ संभव नहीं है। अब ओमन्स भी बहुत गुस्से में, नाश की तरफ से ओमन्स को शोल्डर टैकर, वो बहुत ही ज्यादा ही इंपैक्ट पड़ा है लगता है, बट नहीं ओमन्स उठ खड़े हुए, और यहाँ पे हेडशॉट, क्या ये अब हाई एंगल स्पाइन बस्टर, लेसनर भी बाहर है और नाश अंदर, और अगर ये हाई एंगल स्पाइन बस्टर पड़ ही गया, क्या ये विक्ट्री होगी, और ये तीन, और इसी के साथ हमारे द नाइजीरियन जायंट ओमन्स जीत गए हैं ये मैच, दिखा दिया है उन्होंने कि मैं भी कुछ कम नहीं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही पे होता है खत्म। पसंद आया तो लाइक कर दो, मैं हो तो सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।